हेलो स्पार्क राइडर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूँगा जो एक ज़माने में मुगलों की राजधानी हुआ करता था। यह है आगरा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, यहां कहां कहां घूम सकते हैं, कितने दिन लगेंगे और खर्च कितना होगा, रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। स्पार्क राइडर से जुड़ने के लिए और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। यह 1526 से 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के लिए मशहूर है और एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ कैसे पहुँचें? अगर आप आगरा ट्रेन से जाना चाहते हैं तो देश के सभी मुख्य महानगर रेलवे लाइन के जरिए आगरा से जुड़े हैं। दिल्ली से मुंबई अथवा दक्षिण भारत जाने वाली अधिकांश ट्रेनें आगरा होकर जाती हैं। नई दिल्ली के अलावा निज़ामुद्दीन से भी आगरा होते हुए दक्षिण भारत की ओर कई ट्रेनें जाती हैं। दिल्ली से आगरा तक स्लीपर क्लास का किराया 175 रुपये के लगभग होता है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। आगरा रोड के द्वारा कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से आगरा तक एसी बस का किराया 400 रुपये के लगभग पड़ता है। आप यहां अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहां के रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। आगरा भारत के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। अगर आप हवाई यात्रा करके आगरा आना चाहते हैं तो आगरा एयरपोर्ट पर भी सभी भारत के अधिकतर शहरों से फ्लाइट्स आती हैं। कहाँ रुकें? आगरा में रुकने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको 700 रुपये से 1200 रुपये तक में अच्छे होटल मिल जाते हैं। यदि आप ताजमहल के पास रुकना चाहते हैं तो ताजमहल के पास होटल बहुत महंगे हैं। अगर आप होटल पर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो कोशिश करिए ताजमहल से 4 से 5 किलोमीटर दूर होटल लें। यहाँ कुछ दुनिया के बेहतरीन होटल भी हैं, जैसे अमर विलास। अगर आप किसी लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके कमरे से ताजमहल दिखाई देता है। कहाँ कहाँ घूमें? दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसे देखने दूर दूर से देश विदेश के लोग बस खींचे चले आते हैं। सालों से खड़ी यह खूबसूरत इमारत आज भी पर्यटकों को अपनी अद्भुत वास्तुकला से दीवाना बना लेती है। ताजमहल में एंट्री करने के लिए 3 दरवाजे हैं जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में मौजूद हैं। इन तीनों दरवाज़ों में जिसमें लोगों की भीड़ सबसे कम होती है वह है पश्चिमी गेट। इस गेट से आप आसानी से ताजमहल के परिसर में एंट्री कर सकते हैं। आमतौर पर ताजमहल रोज़ाना सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन शुक्रवार को इसे नमाज के लिए बंद रखा जाता है। पूर्णमासी के दिन ताजमहल के गेट्स रात 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलते हैं। चांद की रोशनी में ताजमहल बेहद खूबसूरत लगता है। अगर आप भारतीय हैं और आपको ताजमहल देखने के लिए 40 रुपये की टिकट खरीदनी पड़ेगी। अगर आप ताजमहल की मेन बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये का और टिकट लेना होगा। 15 साल से कम के बच्चों की एंट्री फ्री है। विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट का दाम 1100 रुपये है। आप इन टिकटों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आपको कार पार्किंग से 10 रुपये में बैटरी कार मिल जाती है। सुरक्षा कारणों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ताजमहल के अंदर नहीं ले जा सकते: ट्राईपॉड, मोबाइल फ़ोन चार्जर, खाने पीने की वस्तुएं और तंबाकू जैसी चीज़ें यहां पूरी तरह से बैन हैं। यहां पर एक लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध है जहां आप अपने सामान को सुरक्षित तरीके से जमा कर सकते हैं और वापस लौटने पर
यहाँ से अपने सामान को ले जा सकते हैं। ताजमहल के परिसर में आप संग्रहालय भी घूम सकते हैं। 1982 में निर्मित यह संग्रहालय ताजमहल परिसर में मुख्य द्वार के बाईं ओर जल महल में स्थित है। इस संग्रहालय में एक मुख्य हॉल के साथ 2 फ्लोर और 3 गैलरी हैं। संग्रहालय में 120 तरह की प्रदर्शनी लगाई हैं, जिसमें मुख्य रूप से पांडुलिपियाँ, लघुचित्र, शाही आदेश, शस्त्र, रसोई के बर्तन, सजावटी नग और मुगल काल में आगरा के सिक्कों की टकसाल की अनुकृति को दर्शाया गया है। इसके बाद आप पास ही स्थित आगरा का किला देखने जा सकते हैं। ताजमहल से 3 किलोमीटर दूरी स्थित आगरा का किला आगरा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में शामिल है। दिल्ली के लाल किले से मेल खाते इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। आगरे का किला मुगल स्थापत्य का एक शानदार उदाहरण है। यह किला शुरुआत में ईंटों से बना था, जिसे राजपूतों ने बनवाया था। बाद में अकबर ने इस किले को नए सिरे से बनवाया और अपनी राजधानी यहीं बसाई। आगरा के किले में तमाम दर्शनीय भवन हैं। यहाँ हर शाम लाइट और साउंड शो का आयोजन होता है। यहाँ आपको 40 रुपये की एंट्री फीस देनी होती है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे व यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुँचाया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते देखते हुई थी। इस बुर्ज से संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। आगरा का किला घूमने के बाद आप आगरा स्थित मेहताब बाग, यमुना के ताजमहल से विपरीत दूसरे किनारे पर है जा सकते हैं। यहाँ एक काला ताजमहल बनना तय हुआ था, जिसमें कि शाहजहां की कब्र बननी थी, किंतु धन के अभाव और औरंगजेब की नीतियों के कारण वह बन नहीं पाया। यमुना नदी की विपरीत दिशा में बना मेहताब बाग फूलों और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से सजा धजा सैलानियों को खासा लुभाता है। इसके बाद आप एतमाउद्दौला देखने जा सकते हैं। मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गियास बेग को एतमाउद्दौला का खिताब दिया था। एतमाउद्दौला और उनकी पत्नी असमत जहां का यह मकबरा 1622 से 1628 ईस्वी के बीच उनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। इस मकबरे की भव्यता और महिमा को देखकर ऐसा लगता है कि यह ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या ड्राफ्ट हो। इसी कारण इसे बेबी ताज और ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ के बाद आप सिकंदरा घूमने जा सकते हैं। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, लेकिन इसके पूरा होने के पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। यहाँ के बाद आप फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं। फतेहपुर सीकरी भी आगरा की तरह इतिहास के पन्नों से जुड़ा है, तो फतेहपुर सीकरी की विस्तार से जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, आप उसे देखना ना भूलें। फूड मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल की खूबसूरती दुनिया को अपनी ओर खींचती है, तो यहाँ के जायकेदार व्यंजनों की खुशबू से लोगों का जी ललचा जाता है। आपने पूड़ी कचौड़ी हर जगह खाई होगी, लेकिन आगरा में मिलने वाली बेड़ई और आलू की सब्जी से सुबह जायकेदार हो जाती है। यहाँ शाम के समय आपको हर थोड़ी दूर पर चाट की वैरायटी मिल जाएगी। हालांकि वक्त के साथ अब साउथ इंडियन और चाइनीज फूड का भी तड़का लगने लगा है। आगरा पेठा और दाल मोठ के लिए फेमस है, तो यहाँ जलेबी और मूंग का हलवा भी लोग पसंद करते हैं। आगरा का पेठा दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का कई फ्लेवर का पेठा मिलता है, गुलाब पेठा, कंचा पेठा, पान पेठा, रसबरी पेठा, सैंडविच पेठा, चॉकलेट पेठा, पनीर पेठा और चेरी मैंगो पेठा, ऐसे ही अनेक वेराइटीज़ उपलब्ध हैं। यहाँ से कई देशों में पेठा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नॉन वेज खाने के शौकीनों के लिए तो आगरा जन्नत से कम नहीं है। मुगलों की राजधानी रह चुका आगरा मुगलई चिकन, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन आदि लजीज व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है, और ये खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
आगरा में इमारतों के साथ साथ यहाँ के खाने पीने की दुकानें भी बहुत समय से प्रसिद्ध हैं। कई दुकानों पर आज भी पुराने ज़माने की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगरा आने का प्लान कम से कम 2 दिन के लिए बनाएं। आगरा में लोकल घूमने के लिए आप ऑटो बुक कर सकते हैं, जो पूरा दिन घुमाने का लगभग 500 रुपये तक लेता है, या आप बस से भी घूम सकते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा घूमने वालों के लिए बाइक रेंटल की सुविधा भी शुरू कर दी है, जो आपको रेलवे स्टेशन से ही मिल जाती है और आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपका घूमने में लगभग 3,000 रुपये तक खर्च आता है। अगर आप अभी जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि अभी यूपी में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, तो आप उसी तरह का प्लान बनाएं। अगली वीडियो में मैं आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में बताऊंगा, तो उसे देखना न भूलें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी से आपको आगरा घूमने में सहूलियत होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ़।